ये सब क्या है विद्या? पहले तो पहाड़ी से धक्का देकर के हमें मारने की कोशिश की और अब गले लग के रो रही। आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? पहले हमें लगता था कि आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब हमें यकीन हो गया कि आप वो नहीं थे। सही दिलिया, तुम्हें क्यों मारे? पर कृष्ण जी, उस दिन आप हमें याद आया। हम तो उस वक्त गाड़ी का टायर ठीक कर रहे थे। याद है तुम्हें? हमारी गाड़ी का टायर खराब हो गया। हाँ कृष्णा जी, बहुत बड़ी शादी हुई है मेरे से। हम दोनों को झूठ के जाल में फंसाया क्या? जैसे आपने हमें धक्का नहीं दिया, उसी तरह हमने भी वो वीडियो आपको नहीं भेजी थी। ये फुटपारा हत्याना घर वालों को जेल भेजा, इसे हमने नहीं किया है कृष्णा जी। ये देखिए कृष्णा जी, हम नहीं है, ये सिर्फ हमारा मुकुटा है कृष्णा जी। इस मुकुटे के पीछे साक्षी भाभी जाते रहो, इनके कान के पास ये तिल हमने भी देखा है। कि दोनों को ये फील, दोनों को ये रियलाइज होता है, बिंदिया को रियलाइज होता है क्योंकि बिंदिया ने बहुत गलत किया घर पे आकर, क्योंकि कृष्ण ने तो उसको धक्का दिया नहीं होता है। हाँ कृष्णा जी, बहुत बड़ी शादी हुई है मेरे से। हम दोनों को झूठ के जाल में फंसाया क्या? जैसे आपने हमें धक्का नहीं दिया, उसी तरह हमने भी वो वीडियो आपको नहीं भेजी थी। ये फुटपारा हत्याना घर वालों को जेल भेजा, इसे हमने नहीं किया है कृष्णा जी। जो भी होता है बिंदिया को वो छोड़ देता है कि हाँ ठीक है तुमने मुझे धोखा दिया तो दे दिया, बोलता है सवाल करता है लेकिन छोड़ देता है। ये देखिए कृष्णा जी, हम नहीं है, ये सिर्फ हमारा मुकुटा है कृष्णा जी। इस मुकुटे के पीछे साक्षी भाभी। लेकिन बिंदिया घर पे आकर के बहुत बुरा करती है, उसकी माँ को थप्पड़ मार देती है, ये सारी चीज़ें जो करती है जिसके कारण उसको रियलाइज़ होता है और फिर वो रो करके माफ़ी मांगती है और ये सारी चीज़ें होती है।